राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नामांकन का दौर अब खत्म हो गया है और प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको राजस्थान की लोकसभा सीटों पर चल रहे समीकरण की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर लोकसभा सीट। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर भाजपा ने इस बार अपने सिटिंग सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर प्रियंका बालन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ से कुलदीप इंदौरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे श्रीगंगानगर जिला प्रमुख भी है, राजनीतिक परिवार से आते हैं और पिता हीरालाल इंदौरा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने भी जीत हासिल की। भाजपा ने इस बार यहां अपने सिटिंग सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर प्रियंका बालन को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका बालन को 10 साल पहले भाजपा ने अनूपगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब उनकी उम्र 25 साल से कम थी तो उन्होंने टिकट लौटा दिया। वे तब से ही सुर्खियों में आ गई थी। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 21,02,000 है, इनमें 10,96,000 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाता की बात करें तो 10,05,000 है। लेकिन इस सीट पर खास बात यह है कि इस सीट पर ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या भी 65 बताई गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों के राजनीतिक करियर की तो प्रियंका बालन अनूपगढ़ की निवासी है और प्रियंका बालन बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। प्रियंका बालन के पति प्रिंस नागपाल गिरदावर है और पिता जलदाय विभाग के रिटायर्ड XN है। बालन वर्तमान में अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति भी है और BA MBA तक शिक्षित है। बालन 2013 से राजनीति में सक्रिय है। बालन को 2013 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला था, लेकिन कम उम्र होने के कारण टिकट निरस्त कर दिया गया था। प्रियंका बालन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के पद पर रह चुकी है। 2017 से 2019 तक भाजयुमो में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। जुलाई 2023 में भाजपा ने प्रदेश मंत्री का पद दिया। कुलदीप इंदौरा मूलतः अनूपगढ़ जिले के निवासी है, लेकिन फिलहाल श्रीगंगानगर में निवास कर रहे हैं। कुलदीप इंदौरा को राजनीति का काफी अनुभव है। इंदौरा वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, इसके साथ साथ श्रीगंगानगर जिला प्रमुख भी है। कुलदीप इंदौरा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। कुलदीप इंदौरा के पिता और पत्नी भी राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है। इंदौरा के पिता हीरालाल पूर्व में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। पत्नी सीमा इंदौरा अनूपगढ़ नगरपालिका की चेयरमैन रह चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी इंदौरा अनूपगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। इस कड़ी में हमने उस सीट की बात की है जहां अनुभव का सीधा मुकाबला युवा महिला नेत्री से है। श्रीगंगानगर विधानसभा सीटों के आधार पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन भाजपा जहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, साथ ही पिछले 10 सालों से इस सीट से जीत हासिल कर रही है, तो भाजपा फिर से श्रीगंगानगर सीट से मजबूत नजर आ रही है। अगली कड़ी में ऐसे ही एक और हम हॉट सीट की बात करेंगे और चुनावी समीकरण बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।